दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन है। दिल्ली में कूड़े का ढेर लगता जा रहा है, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर डटे हैं। एमसीडी कर्मचारियों ने आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल करीब 2 हफ्ते बाद इलाज कराकर बेंगलुरु से वापस लौट रहे हैं। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों, खासकर पूर्वी और उत्तरी नगर निगम के इलाके में बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम के शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के साथ ही इंजीनियर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन बाकी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और तीनों मेयर्स की मुलाकात हुई, जिसमें एलजी ने एमसीडी को डीडीए फंड से 300 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया। फिर आप देख सकते हैं अभी भी धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। हालांकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स जो है, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब काम पर लौट आए हैं, लेकिन बाकी कर्मचारी अभी भी डटे हुए हैं। 13वां दिन है हड़ताल का।